हेलो एवरीवन, हेलो। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं इरा भार्गव सिंघल, फाउंडर किचन ऑफ फ्लेवर, आप सभी का अमूल फेसबुक पेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही साथ गोवर्धन पूजा की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम यहाँ पर अमूल फेसबुक पेज पर जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो रेसिपी है अन्नकुट भोग की। अन्नकुट भोग में जो हम बनाने जा रहे हैं, वैसे तो गोवर्धन जी को 56 भोग लगता है, बट आज जो मैं यहाँ पर आपके सामने शो करूंगी वो है कढ़ी, और साथ ही साथ जो अन्नकुट की सब्जी होती है उसमें आप जितनी ज्यादा से ज्यादा सब्जियां यूज में ले सके उतना ही अच्छा होता है। कुछ मेन सब्जियां होती है मैं आपको बता दूंगी। तो आज हम अन्नकुट की सब्जी, जिसे सगड्डा भी कहा जाता है, वो बनाएंगे और साथ ही साथ कढ़ी बनाएंगे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अमूल का, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर इतने शुभ अवसर पर इन्वाइट किया और मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर कर पाऊं ताकि। तो और साथ ही साथ धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने टाइम निकाला अपना और मेरी रेसिपी देखने के लिए यहाँ पर इस समय रात को आए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर जो हमारी मिक्स वेजिटेबल है अन्नकुट भोग की, उसे यहाँ पे मैंने पैन गरम होने रख दिया है, उसमें मैं डालूंगी अमूल का शुद्ध देसी घी। इंदिरा जी हेलो, रोशनी जी हेलो, हेलो हेलो इंदिरा आंटी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने कुछ सब्जियां ऑलरेडी कट करके रख रखी हैं, रेडी करके रख रखी हैं। यहाँ पे मैंने ग्रीन जो ये लीफी वेजिटेबल्स है इसमें मैंने पालक और मेथी लिया है, यहाँ पर मैंने बैंगन लिए हैं, मटर लिए हैं, लौकी ली है, टिंडे लिए हैं, पेठा लिया है, फूल गोभी ली है, मूली लिया है, गाजर लिया है, मटर लिया है, आलू लिए है। ईशा जी हेलो, हेलो ईशा जी। हमारा घी गरम हो चुका है, इस समय पर मैं इसमें ऐड करूंगी हींग। व्हाट आर यू मेकिंग? मैं अन्नकुट वाली जो सब्जी होती है मिक्स वेजिटेबल वो बना रही हूँ। व्हाट इज अन्नकुट? अन्नकुट मतलब गोवर्धन पूजा है, आज गोवर्धन की पूजा होती है तो उसमें जो प्रसाद बनता है भोग। मैंने जीरा ऐड कर दिया है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी चॉप्ड अदरक। अब मैं इसमें जो सारी सब्जियां हैं वो ऐड करूंगी। ये बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल ट्रेडिशनल वेजिटेबल है। नॉर्मली हम जो मिक्स वेजिटेबल बनाते हैं उसमें हम लोग मावा भी डालते हैं, कई लोग क्रीम भी यूज में लेते हैं, मलाई भी यूज में लेते हैं, बट ये बिल्कुल नॉर्मल सिंपल मसालों के साथ बनेगी और थोड़ी सी ग्रेवी मतलब रेशे वाली रहती है ये सब्जी।
पद्मा जी आप क्या बना रही हैं? पद्मा जी आज मैं बना रही हूँ अन्नकूट भोग, जिसमें मैं कढ़ी बनाऊंगी और साथ ही साथ में ये जो अभी चल रही है, ये चल रही है मिक्स वेजिटेबल। ये अन्नकूट भोग का सबसे अहम चीज है, डिश है, जो कि अन्नकूट का जब भोग लगता है गोवर्धन पूजा के दिन, ये बनेगी ही बनेगी गोवर्धन जी के। देखिए क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने जैसे एक आलू लिया, एक गाजर ली, छोटा सा एक बैंगन लिया, छोटी सी गोभी का फूल लिया, थोड़े से मतलब आधी मुट्ठी भर के मटर लिए, इसी तरह पेठा भी मैंने थोड़ा सा लिया है। ध्यान रहे लीफी वेजिटेबल और टमाटर अभी हम ऐड नहीं कर रहे हैं। कृष्ण जी ने जो पर्वत उठाया था वही गोवर्धन पर्वत? जी बिल्कुल वही गोवर्धन पर्वत है। पद्मा जी कह रही हैं आप बहुत अच्छा फूड बनाते हो, 6 महीने की पद्मा जी। थैंक यू पद्मा जी। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट और हल्दी के अलावा हम इनिशियल स्टेज पे और कोई मसाला ऐड नहीं करना है। जरूर सब मिलकर खाते हैं। बिल्कुल संध्या जी आ जाइए, सब मिलकर खाएंगे। तो मैं हल्का सा इसमें पानी ऐड करके ढककर इसे गैस पे शिफ्ट कर दूंगी और हम चलेंगे। जब तक ये पकती है तब तक हम हमारी प्रिपरेशन करेंगे कढ़ी की, कढ़ी रेडी करेंगे। इसे हम शिफ्ट कर देते हैं गैस पर और अब हम यहाँ बनाएंगे कढ़ी। ईशा जी ब्यूटीफुल बैकग्राउंड। थैंक यू ईशा जी। कढ़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ अमूल का मस्ती दही। आप चाहें तो अमूल का बटर मिल्क छाछ जो आती है वो भी यूज कर सकते हैं। संध्या जी पूरे साल वेट करते हैं आज के भोग का। हाँ जी बिल्कुल संध्या जी आप सही कह रहे हो। इसमें मैं ऐड करूंगी पानी। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। मैंने एक बाउल में लगभग 3-3.5 चम्मच छोटी वाली स्पून है बेसन का ऐड कर रही हूँ, बेसन ऐड कर रही हूँ सॉरी। पद्मा जी आप कितने बजे लाइव आते हो डेली? पद्मा जी मैं डेली लाइव नहीं आती हूँ, अभी मैं अमूल पर पेज अमूल के पेज पर लाइव आ रही हूँ। वैसे मेरा खुद का पेज है किचन ऑफ फ्लेवर, जिसपे मैं भी लाइव आती हूँ और हमारे साथ बहुत सारे होम शेफ जुड़े हुए हैं जो लाइव आते हैं। तो आप भी ज्वाइन करिए किचन ऑफ फ्लेवर, वहां पे आपको डेली लाइव देखने को मिलेगा। अभी मैंने हम लोगों ने फेस्टिव सीजन में कोई लाइव नहीं रखा था। प्रिंस फरहान जी क्वांटिटी ऑफ कर्ड। देखिए कर्ड मैंने 1 बाउल लिया है, सिंपल साइज है बाउल का, और छोटे वाले 3.5 चम्मच लगभग बेसन लिया है। सिद्धार्थ बुरड ईरा जी वुड बी ग्लैड इफ यू कैन कम लाइव विद अस फॉर माय सीरीज घर घर हर कुछ बनाए। बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ जी आप बताइए कब आना है। ईशा जी मैंने भी आज बाजरे की खिचड़ी बनाई है। ईशा जी खिला देते आज, मैं तो अब बना रही हूँ। अब हम इसमें मैंने देखिए बेसन और दही को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सॉल्ट। अगर आप बेसन और दही में ही सॉल्ट ऐड कर देते हैं
हल्दी ऐड कर देते हैं या जो भी मसाले आपको ऐड करने, तो उससे जब हम करी बनाते हैं तो उस समय ऐड करने से ज्यादा अच्छा रहता है कि हम पहले ही ऐड कर दें, और एक फ्लेवर भी अलग सही आता है। हल्दी, संध्या जी, यार जी बहुत खुश नसीब है अमूल परिवार ने आपको चुना भोग बनाने के लिए। हाँ जी बिल्कुल संध्या जी, आप सही कह रहे हो। जब अमूल से मेरी बात हुई थी और जब मुझे उन्होंने ये चीज बोली थी तो मुझे खुद को भी बहुत खुशी हुई थी कि मैं फेस्टिव सीजन में इतने अच्छे फेस्टिवल पे अब भोग बनाऊंगी। इसके लिए मैं थैंक यू करना चाहूंगी मनु जी का और अमूल का। तो यहां पर मैंने इंडक्शन ऑन कर दिया है। परवाज़ जी आप अपनी आईडी बता दो, यू फॉलो एंड सी यू लाइक। देखिये हमारा पेज है, ग्रुप है किचन ऑफ फ्लेवर्स के नेम से, फेसबुक पेज भी है और फेसबुक ग्रुप भी है और इंस्टा पे भी किचन ऑफ फ्लेवर्स के नेम से है। और आप मेरे को भी फॉलो कर सकते हैं, इरा भार्गव सिंघल के नेम से हमारा इंस्टा पे मेरा इंस्टा हैंडल है। यहाँ पे मैं लूंगी अमूल का शुद्ध देसी घी, काऊ घी। दूसरी तरफ हम सब्जी को भी देखते रहेंगे। दलजीत कौर यूटेंसिल्स आर वेरी नाइस विच कंपनी आर दीस। थैंक यू दलजीत जी। वंदना खत्री भाव अमूल जी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी राई, मस्टर्ड सीड्स, हींग चुटकी भर, जीरा, और हम इसे अच्छे से सौते करेंगे। कढ़ी बनाते समय जो चीज़ मेन ध्यान रखने वाली होती है वो ये होती है कि जब तक बॉईल ना आ जाए तब तक हम इसे लगातार हिलाते रहें। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मेथी दाना और साथ ही साथ साबुत धनिया। अब हमारा सबसे मेन पार्ट होता है, क्योंकि इसी समय जो कढ़ी है वो फटने का डर रहता है। शालिनी जी हेलो। हेलो शालिनी जी। स्मिता को सिंपल एंड नाइस सब्जी, रियली एक्सीलेंट। थैंक यू। देखिए हम फ्यूजन बहुत करते हैं, फ्यूजन करना अच्छी बात भी है, लेकिन जो ट्रेडिशनल खाने का जो टेस्ट है वो कभी कोई भूल नहीं सकता, कभी कहीं नहीं जा सकता। ट्रेडिशनल खाने के आगे कोई खाना नहीं है। कढ़ी आपको लगातार हिलाते रहना है। जब तक कि कढ़ी में बॉईल आता है, अगर किसी की कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं।
तो देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। दूसरी तरफ हमारी सब्जी भी पक रही है। थैंक यू ईशा जी। कढ़ी पकौड़ा मिसिंग, मतलब आप पकौड़ा, प्रिंस जी कौन सा पकौड़ा, कढ़ी के अंदर पकौड़ा मिसिंग है कि अन्नकूट भोग में भी पकौड़े बनते हैं, गुलगुले बनते हैं, लेकिन अन्नकूट की मैंने प्रसाद की जहां भी कढ़ी खाई है वो बिना पकौड़ों की होती है। अन्नकूट भोग में बनते हैं भजिए बनते हैं, जो मीठे गुलगुले होते हैं वो बनते हैं, लेकिन चूंकि अभी टाइम की कमी है तो मैंने वो चीज नहीं बनाई। वरिंदर जी कह रही है अमूल घी दरदरा क्यों होता है, डालडा जैसा क्यों लगता है? वरिंदर जी मेरे को तो ऐसा, हाँ दानेदार होता है, लेकिन डालडा जैसी फीलिंग तो मुझे अभी तक नहीं आई है अमूल घी में से। प्रिंस जी कह रहे हैं कढ़ी के अंदर, प्रिंस जी पंजाबी कढ़ी जो होती है उसमें कढ़ी पकौड़ा जो होती है वो पकौड़े अलग होते हैं, लेकिन जो अन्नकूट के भोग की कढ़ी है उसमें पकौड़ा बहुत कम डलता है। मैंने अभी हमारे यहाँ पे मंदिर में भी प्रसाद बनता है, मैंने वो वाली कढ़ी भी खाई है, उसमें पकौड़ा नहीं डला होता। संध्या जी कह रही है अन्नकूट भोग भाप से बनता है। हाँ जी बिल्कुल संध्या जी आप सही कह रहे हैं, और प्रसाद आप कभी भी बनाइए, भोग आप कभी भी बनाइए, नवरात्रे में बनाते हैं जिसे हम टेस्ट करके भी नहीं देख पाते कभी कि उसमें नमक सही डला है कि नहीं, मिर्ची सही है कि नहीं, लेकिन वो हमेशा ही स्वाद लिए हुए बनता है। अंकिता जी और अमूली जी कह रहे हैं व्हाट आर यू मेकिंग, जी मैं अन्नकूट भोग बना रही हूँ गोवर्धन पूजा का, जिसमें मैंने अभी कढ़ी बनाई है और दूसरी तरफ जो मिक्स वेजिटेबल बनती है जिसे सगड्डा भी कहा जाता है वो मैंने दूसरी तरफ गैस पे शिफ्ट करी है। प्रोसीजर पूरा यहाँ पे अभी बताया था। भावेश जी मैं यहाँ पर कढ़ी बना रही हूँ, बिल्कुल स्मिता जी ट्रेडिशनल फूड आर रियली ऑसम। बिल्कुल डिंपल जी आप एड्रेस भेजिए मैं पार्सल करती हूँ, बताइए कहाँ पार्सल करना है, तो आप देखेंगे कि कढ़ी हल्की हल्की बॉईल होने लग गई है। दूसरी तरफ हम सब्जी चेक करेंगे। स्मिता गोशी कह रही है ट्रेडिशनल फूड्स आर रियली ऑसम। मैंने उनको जवाब दिया, बिल्कुल सही कह रही है कि ट्रेडिशनल फूड हमेशा ही बहुत बढ़िया होता है। डिंपल जैन जी कह रहे हैं पार्सल प्लीज। बिल्कुल डिंपल जी आप एड्रेस भेजिए मैं अभी पार्सल करूंगी। तो आप देखेंगे कि जो हमारी सब्जियां हैं वो काफी हद तक गल चुकी हैं। इस समय हम हमारी जो लीफी वेजिटेबल है जिसमें मैंने पालक और मेथी लिया है और हल्के से इसमें मूली के पत्ते भी हैं वो ऐड करेंगे। फाल्गुन जी कढ़ी बहुत टाइम लेती है पकने में, क्योंकि हम इसमें जब छाछ में बेसन मिलाते हैं वो थोड़ा मतलब थोड़ा क्या पूरा ही कच्चा बेसन होता है, तो बेसन को पकने के लिए टाइम चाहिए, इसलिए हम कढ़ी टाइम लेती है पकने के लिए। चंद्रकला अग्रवाल जी हाय। हेलो चंद्रकला जी। शालिनी जी ने रिप्लाई किया है किसी का जिसने बोला था टेक्सचर के लिए, तो वो पढ़ सकता है क्या है? शालिनी जी ने रिप्लाई किया है ना कि टेक्सचर दानेदार क्यों हो जाता है।
प्रिंस जी कह रहे हैं हेल्दी फूड ऑल वेजिटेबल्स इन वन डिश गुड वन, थैंक यू। और वाकई में आप लोग ये सब्जी ट्राई करिए, बनती भी बहुत अच्छी है। हैप्पी न्यू ईयर पायल जी। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। लाल मिर्च पाउडर अमचूर पाउडर और गरम मसाला। मूली जी कह रहे रेसिपी प्लीज। हाँ जी, मैं बिल्कुल रेसिपी बता देती हूँ अभी। जैन डिंपल जी विल डेफिनेटली मेक एट होम। दलजीत कौर जी प्लीज रिपीट रेसिपी और सब्जी, आई लर्न लेट। बिल्कुल, मैं अभी सब्जी की रेसिपी आप सभी को बता देती हूँ। और मिला जी इतनी रात को खाना बना रहे हो। और मिला जी, ये अमूल का सेशन है आज का 11 बजे का, और क्यों चूंकि आज गोवर्धन पूजा थी तो हमने सोचा कि क्यों ना मिडनाइट स्नैकिंग की जगह आज जो गोवर्धन जी का भोग होता है, अन्नकूट भोग होता है, वही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो इतना लेट ये चीज बन रही है। हाँ जी, रेसिपी ये है कि सबसे पहले आपके पास जो भी घर में सब्जियां रखी हैं वो सब्जियां ले लीजिए। जो मेरे पास घर में था आज मैंने वही सब्जी ली है। पालक लिया है, मेथी ली है, मूली ली है, मूली के पत्ते भी लिए हैं, बैंगन लिया है, गाजर ली, मटर ली, आलू लिया, गोभी ली और पेठा लिया, लौकी लिया और टिंडे लिए। ये सब्जियां मैंने काम में ली हैं। सबसे पहले मैंने इसमें अमूल का देसी घी गरम किया, उसके बाद मैंने हींग डाला, जीरा डाला। जैसे ही हींग जीरा क्रैकल होने लगा मैंने उसमें अदरक डाली। अदरक डालने के बाद मैंने उसमें सारी सब्जियां डाली, पालक, मेथी, मूली के पत्ते और टमाटर को छोड़कर। फिर उसके बाद मैंने उसमें नमक और हल्दी डालकर पकने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही वो थोड़ी गल गई सब्जियां, मैंने उसमें पालक, मेथी, मूली के पत्ते ऐड किए, टमाटर ऐड किया और सारे मसाले। मसाले भी कुछ आप पर डिपेंड करते हैं कि आपको कैसा खाना है। अगर आपको तीखा खाना है आप लाल मिर्च ज्यादा डाल दीजिए। मैंने लाल मिर्च ऐड करी, उसमें धनिया पाउडर ऐड किया, गरम मसाला ऐड किया और अमचूर पाउडर ऐड किया और इसको पकने के लिए थोड़ी देर ढककर रख दिया है ताकि अच्छे से गल जाए सब्जी। ये जो सब्जी है वो कभी सूखी नहीं रहती, हमेशा थोड़ी पानी वाली रहती है, तो मैंने इसलिए इसमें पानी भी ऐड किया था जब हमने इसको पकने के लिए छोड़ा था। प्रिंस जी कह रहे हैं ग्रीन चिली इज मिसिंग आई थिंक। ग्रीन चिली मैं अब डालूंगी इसमें, अभी तक मैंने नहीं डाली है, मैं डालूंगी, मैंने रखी हुई है। खाना सब्जी आप देखेंगे कि सब्जी का कलर कितना सुंदर है। और सब्जी भी देखेंगे तो सारी गल चुकी हैं। ग्रीन चिली आप देखेंगे मैं अब इसमें ऐड करूंगी और इसे ढकूंगी। दूसरी
दूसरी तरफ हमारी जो कढ़ी है पेठा स्किन के साथ ही डालना है? नहीं, मैंने पेठा स्किन उतार के डाला है, आप चाहे तो स्किन के साथ भी डाल सकते हैं। किसी की कोई क्वेरी है? मैं एक बार प्लेटफॉर्म साफ कर देती हूँ और आपको आज की प्रिपरेशन दिखाती हूँ हमारी। तो देखिए यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया था कि बाजरे की खिचड़ी जरूर बनती है, तो मैंने बनाई है बाजरे की खिचड़ी, आलू टमाटर की सिंपल सब्जी, पूरी, हरी चटनी। यहाँ पे मैं एक चीज दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने रखा है, कलाकंद जो हमने उस दिन बनाया था यानी कि परसों, देखिए आप देखेंगे कि कितने अच्छे से वो कट हुआ है, कितने अच्छे से वो सेट हो गया है। साथ ही साथ खीर, सिंपल राइस खीर, कढ़ी भी लगभग हमारी बनके रेडी हो गई है। देखिए वैसे तो कढ़ी को जितना हम पकाएं उतना अच्छा है, उतनी ही उसमें खटास आती है, लेकिन अभी टाइम की कमी है तो मैं इसको ऐसे ही सर्व करूंगी, वरना कढ़ी को तो अगर हम एक से डेढ़ घंटा पकाएं, मैं नॉर्मली जब कढ़ी बनाती हूँ तो उसको मैं एक से डेढ़ घंटे तक पकाती हूँ। लुकिंग सो लुकिंग ब्यूटीफुल, बंगाली में इस सब्जी को पश्चिमी साली सब्जी बोलते हैं। पूरा तो यहाँ पर हम हमारी जो सब्जी है उसे सर्व करेंगे। आप देखेंगे कि देखने में कितनी सुंदर लग रही है ये सब्जी। तो चलिए अब दूसरी तरफ हम रेडी करते हैं कढ़ी के लिए तड़का। पूरी भी मैंने पहले बना के रख ली थी। चटनी की रेसिपी, चटनी की रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। चटनी बनाने के लिए मैंने हरा धनिया लिया, थोड़ा सा पुदीना लिया, कुछ मूंगफली के दाने मिक्सर जार में डाले, अदरक डाला, दही डाला, नमक डाला, अमचूर डाला और लाल मिर्च डाली और एक साथ ग्राइंड कर लिया। जब ग्राइंड हो गई अच्छे से तब उसके बाद मैंने सबसे एंड में इसमें नींबू का रस निचोड़ा, हरी मिर्च भी ऐड करी थी। तो यहाँ पे हमारा जो घी है वो गरम हो रहा है, ये मैं जो तड़का बना रही हूँ, वैसे हम उसमें तड़का ऑलरेडी दे चुके हैं, ये वाला जो तड़का है वो सिर्फ हम इसलिए डालते हैं ताकि एक ऊपर से रंगत आए। इसमें मैं और कुछ नहीं डालूंगी सिर्फ लाल मिर्च के अलावा। बस इसमें मैंने ये लाल मिर्च डाली है। जब हम कढ़ी सर्व कर देंगे उसके बाद
चलिए कढ़ी भी रेडी है, अब हम कढ़ी को भी सर्व कर लेते हैं। कितना सुंदर कलर आया है कढ़ी का। बेगी मिर्च और अनारस सिंपल पाउडर, सिंपल पाउडर है ये। आप देगी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च कुछ भी यूज में ले सकते हैं। कढ़ी में कढ़ी पत्ता तो बनता है। देखिए डिपेंड करता है कढ़ी में, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको करी पत्ते का फ्लेवर चाहिए कि नहीं चाहिए। थैंक यू शालिनी। तो बताइए आप लोग कि कैसा लगा आपको ये सब्जी, कैसी लगी। आई होप आपको सबको पसंद आया होगा। जब भी आप बनाएं, ट्राई करें तो प्लीज किचन ऑफ फ्लेवर्स और मुझे यानी कि इरा भार्गव सिंगल को टैग करना ना भूलें, क्योंकि जब भी कोई आपकी रेसिपी आपके तरीके से ट्राई करता है तो बहुत ही खुशी मिलती है हमें। अगर किसी को एक क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं जरूर उसका आंसर करूंगी। और कल देखना ना भूलें ठीक इसी समय भैया दोएज स्पेशल पंजाबी थाली, जिसमें हम काफी कुछ चीजें बनाने वाले हैं, कुछ चीजें बना के रखेंगे, कुछ बनाएंगे, तो जरूर देखिएगा कल का सेशन, यानी कि रात 11 बजे का सेशन अमूल फेसबुक पेज पर पंजाबी थाली स्पेशल। तो चलिए आज ज्यादा देर ना करते हुए मैं इस समय अब विदा लेती हूँ आप सभी से, और दोबारा से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना टाइम निकाला, और साथ ही साथ धन्यवाद अमूल का जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। थैंक यू अमूल।